इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार अपने 3 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जश्न मना रही है, जबकि स्थिति ये है कि पिछले 3 वर्ष जनता के लिए बहुत भारी पड़े हैं। और जश्न किस बात के लिए मना रही है कांग्रेस? पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिला दुष्कर्म, महिला बलात्कार के नाम पर राजस्थान नंबर एक, युवाओं में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बन रही है उस दृष्टि से राजस्थान नंबर एक, किसानों की कर्ज माफ़ी जिसका वादा 1918 में सरकार के ने किया था कि हम सत्ता में आने के बाद कर्ज माफ़ी का कार्य करेंगे, वो आज तक किसानों का नहीं हुआ। किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही, उसके अतिरिक्त किसानों की छोटे छोटे किसानों की भूमि भी कुर्क होने लग गई, ये भी स्थिति सरकार ने क्रिएट कर दी। युवाओं को रोजगार देने की बात की तो रोजगार के नाम पर मात्र कुछ परिवारों को रोजगार मिलने का काम शुरू हो गया। युवाओं को इन्होंने बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, किसी भी युवा को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जब कोरोना की स्थिति भी बनी तो ये सरकार 18 महीने अपने घरों में बैठी रही, सिर्फ केंद्र सरकार से जो कुछ मिला उसके दम पर ये शासन करती रही। और आज ये सरकार कह रही कि 3 वर्ष में हम जश्न मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी सब बातों के विरोध में लेकर हमने जन जागरण अभियान किया और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर पूरे राजस्थान में जन आक्रोश के माध्यम से सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।